Assalamualaikum Village Ariba Cooking Channel पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ गुलाब जामुन, जो बहुत इजी तरीके से बनेगा। ये आपके स्टोर, आपके आसपास के स्टोर में अवेलेबल होगा हर जगह, या आप अपने घर पर आराम से बना सकते हैं। तो आज देखते हैं कैसे बनाएंगे बहुत इजी तरीके से। चलिए चलते हैं, तो देखते हैं इसमें क्या क्या लगेगा। तो मैंने ये कटोरा से 1.5 कटोरा चीनी लिया है शीरा के लिए, और ये मैंने बादाम लिया है गार्निशिंग के लिए, 4 इलायची लिया है मैंने जो इसको कूट के इसके शीरे पे पड़ेगा, और इसको अब हम मिलाएंगे। सबसे पहले हम शीरा को तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको मिलाएंगे। चलिए चलते हैं पहले शीरा की तरफ। तो मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है गैस में। सबसे पहले हम चीनी डालेंगे। देखिए पूरा गर्म हो चुका है, ठीक है। तो 1.5 कटोरा मैंने चीनी लिया है, सब चीनी को पूरा डाल देंगे कढ़ाई पर। एक ग्लास पानी डाल रही हूँ, ठीक है। देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है, इसको अब हम पकने देंगे धीमे धीमे। तो हम इस छोटे गैस, छोटे वाले गैस को चढ़ा देते हैं जब तक ये शीरा कंप्लीट होता रहेगा। जब तक शीरे पे ये वो नहीं बनेगा, दाग नहीं बनेगा, तब तक हम नहीं करेंगे। चिपचिपा बनाएगा, उसके बाद ही हम अपने रसगुल्ले को इसमें डालेंगे। तब तक कि ये जब कंप्लीट हो जाएगा, इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे, लास्ट में हम रसगुल्ला डालेंगे। तो इसको हम धीमे धीमे पकने देते हैं, और इसमें हम इलायची कूट के डालते हैं। चलिए हम चलते हैं इलायची कूटते हैं। ये देखिए इलायची को हम डाल रहे हैं इस पर इमाम दस्ते पर। इसे हम दरदरा कर देंगे। देखिए मैंने इसके अंदर के बीज को निकाल लिया है, थोड़ा दरदरा ही किया है। देखिए इस तरीके से आप इसमें डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी इसे, मैं इधर कर देती हूँ छोटे वाले गैस में, जब तक कि मैं इसको, जब तक कि रसगुल्ले के बैटर को मैं मिला देती हूँ। जब तक ये धीमे धीमे गाढ़ा होते रहेगा, तब तक मैं मिला लेती हूँ उधर। अब हम इसे को इसका आटा जैसा गून लेंगे थोड़ा, जब तक इसको मिला लेते हैं। ये आपके घर में आराम तरीके से बना सकते हैं आप। अगर कोई मेहमान आया है, झटपट ये बन सकता है आराम से। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के गूंदते रहेंगे, एकदम गीला नहीं गूंदना है इसे, हमें थोड़ा टाइट गूंदना है ताकि इसका अच्छे से गोल गोल शेप आ सके। अच्छे से गूंदते हैं। इसमें आपको दूध नहीं डालना है, कम कम दूध डालें, ताकि ये गीला हो जाएगा तो बहुत परेशानी हो जाएगा, फिर इस पर आप कुछ मिला भी नहीं सकते हैं। अगर बाय चांस बहुत ज़्यादा गीला हो गया तो थोड़ा सा दूध पाउडर आप ले सकते हैं एवरीडे का, वो अच्छा रहता है। उस पर आप थोड़ा थोड़ा लेके इसको मैश करते रहेंगे। ज़रा ज़रा ऑयल लीजिएगा, उसके बाद छुड़ाइएगा, क्योंकि ये चिपक जाता है बिल्कुल भी। ज़्यादा दूध बिल्कुल नहीं डालना है, ये बात का ध्यान बिल्कुल दीजिएगा आप। थोड़ा सा तेल डालिए अगर आप चिपक गया है तो, ये ताकि आराम से छूट जाएगा। ये देखिए अब हम एक साथ गूंदेंगे। देखिए मैंने ये गूंद लिया है, अब हम इसका गोल गोल डो बनाएंगे, उसके बाद हम छानेंगे इसको, ठीक है। तो लेना क्या है, सबसे पहले हमको हाथ में तेल लगाना है। आप अपने साइज के हिसाब से
बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं, बहुत छोटा भी बनता है, बहुत बड़ा भी बना सकते हैं। मैं इसको मीडियम साइज़ का बना रही हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने इतना लिया है और इसको हम तेल लगा के इसको शेप में लाएंगे गोल गोल। देखिए मैंने इतना सारा बना लिया है, अब बस कुछ और है, बस इतना भी बना के अब सब छानूंगी मैं, छान के दिखाती हूँ मैं। देखिए मेरा डो रेडी हो गया है, कुछ मैंने बहुत छोटा बनाया है और कुछ मैंने बड़ा मीडियम साइज़ का बनाया है। तो इधर मेरा शीरा, चलिए देखते हैं, मेरा शीरा भी रेडी हो चुका है। इधर देख सकते हैं इसका टेक्सचर, देखिए आप, बिल्कुल चपचपा है, बहुत अच्छा शीरा बना है आज मेरा। देखिए मैंने कढ़ाई भी इधर चढ़ा दिया है, अब मैं सारा डो को उसमें छानूंगी। उसके बाद बोलिए अपने हिसाब से तेल डाले। देखिए मैंने रिफाइन ऑयल इसमें डाल दिया है, आप अपने हिसाब से तेल डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं मेरा तेल गर्म हो चुका है, अब मैं एक एक करके डालूंगी, ठीक है। ये इतना इजी है, आप हमेशा अपने घर पे बना के मीठा रख भी सकते हैं, स्टोर करके भी रख सकते हैं, जैसे खाने के बाद हो गया। मेरे घर में मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, खासकर मेरी देवरानी को बहुत पसंद है, तो मैं उसके लिए खासकर बनाती हूँ ये रसगुल्ला। देखिए आप एक साथ भी डाल सकते हैं, ये धीरे धीरे गर्म होते रहेगा। अगर आपको लाइट ब्राउन चाहिए तो वो भी बन सकता है, अगर डार्क ब्राउन चाहिए तो वो भी हो जाएगा, आप अपने हिसाब से इसको छान सकते हैं। ये ध्यान रहे अंदर कच्चा ना रहे, तो मैं इसको थोड़ा सा लो कर रही हूँ, गैस की फ्लेम को थोड़ा सा लो कर रही हूँ, ज़्यादा चलाना नहीं है, ठीक है। धीमे धीमे करके पलट लीजिएगा, ठीक है। ये धीरे धीरे करके आप पलटिएगा, ठीक है। देखिएगा ये ब्राउन कलर बहुत अच्छा सा आ जाएगा, दोनों साइड से अच्छी तरीके से पका लीजिएगा। ये मेरा हो चुका है एक तरफ का, और एक तरफ और पका लेती हूँ मैं अच्छी तरीके से। ध्यान रहे अंदर भी अच्छे से पकने चाहिए। देखिए फ्रेंड्स ये रेड लाल हो चुका है, इसे मैंने दूसरे तरीके से पूरा पका लिया है। थोड़ा सा और 2 मिनट और पकाएंगे, उसके बाद हम अपने थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम शीरा में डालेंगे, ठीक है। देखिए ये मेरा रेडी हो चुका है रसगुल्ला, अब हम इसको निकालेंगे। मैंने गोल्डन ब्राउन किया है, आप इसे भी हल्का बना सकते हैं, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ये कलर में बनाती हूँ, रात में गुलाब जामुन टाइप। तो इसे निकाल लेंगे अच्छी तरीके से। देखिए मेरा तैयार हो चुका है, अब हम इसमें शीरा डालेंगे। मेरा शीरा बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत अच्छी तरीके से एकदम इसको ठंडा करके डालना है। ये एकदम 10 मिनट में बनने वाला डिश है, आप चाहे तो अपने घर पे बना सकते हैं। आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो आप अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी बना सके अपने घरों पे। देखिए अब इसको हम गार्निशिंग कर देंगे पिस्ता बादाम से, आप चाहे तो ग्रीन वाला पिस्ता बादाम भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं गार्निशिंग करूँगी इसको, देखिए मेरा रेडी हो चुका है गुलाब जामुन, इजी टू। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अरिबा विलेज अरिबा कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।